मैं हूँ मंडल डेम। मेरा जन्म लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड के अंतर्गत उत्तरी कोयल नदी पर 70 के दशक में हुआ। 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज अधर में लटका हुआ हूँ। इस लंबे अरसों में मैंने कई उतार चढ़ाव देखा। मेरा निर्माण बहुत हसरत के साथ किया गया। मेरे निर्माण से कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग दुखी। खुश इसलिए हुए कि मेरे निर्माण पूर्ण होने से लोगों को सिंचाई के लिए जल और बिजली मिलेगा। दुखी इसलिए हुए कि मेरे निर्माण कार्य पूर्ण होने से कई गांव मेरे आगोश में समा जाएगा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया ही कि मेरा निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। श्री तिवारी के पलामू का अभियंता बनने के साथ मेरा निर्माण कार्य में काफी तेजी आ गई, लेकिन उसके जाने के बाद कार्य में शिथिलता और गुणवत्ता में भी कमी आने लगा। देख रेख करने के लिए विधायक सांसद आते रहे। मेरी गुणवत्ता सुधार में अभियंता श्री राम चौधरी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। निर्माण कार्य तेजी पकड़ते ही पलामू में उग्रवादियों का प्रकोप बढ़ गया। लोग इस क्षेत्र में आने से डरने लगे। मुझे याद है बहुत ही कर्मठ अभियंता मिश्रा जी को उग्रवादियों ने डैम पर ही निर्मम हत्या कर दी। मिश्रा जी के बेटा एवं पुत्र वधु दोनों उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर थे, फिर भी दोषी को सजा नहीं दिला पाए। इस घटना के बाद मेरा निर्माण कार्य बंद हो गया। यहां तक इस क्षेत्र में असामाजिक तत्व के लोगों ने डायनामाइट लगाकर मेरा छड़ लोहे का रड को भी काट कर ले गए। जब फिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया तो वन विभाग ने कई अड़चने लगा दी। इस तरह मेरा निर्माण कार्य अधर में लटकता रहा। एक बार फिर 5 जनवरी 2019 को आशा जगी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने पुनः निर्माण की आधारशिला रखी। काश प्रधानमंत्री मेरी पुनः निर्माण की आधारशिला के स्थान पर निर्माण कार्य का उद्घाटन कर देते। आज भी मेरा निर्माण पर प्रश्न चिन्ह है। पता नहीं मैं पूर्ण हो पाऊंगा या ऐसे ही अधूरा पर्यटकों का मनोरंजन करता रहूंगा।